नमस्कार दोस्तों, वाईपी सलाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान पुलिस स्पेशल क्लास के अंदर पाचनतंत्र चार लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हमने पाचनतंत्र में आहार नाल को शुरू किया था। आहार नाल में हमने सबसे पहले जीव्या के बारे में अध्ययन हो गया, दांतों का अध्ययन हो गया, यवला का अध्ययन हो गया और होठों का अध्ययन हो गया, लार ग्रंथियों का अध्ययन हो गया। उसके बाद में ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, उसके बाद में आमाशय हो गया। आमाशय के बाद की अगर बात करें तो आज आता है छोटी आंत, ठीक है। तो आज हमारी चर्चा होगी छोटी आंत पे, छोटी आंत। तो हमने जो लास्ट टाइम में आमाशय तक बात की थी, उस आमाशय का जो अंतिम सिरा है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब बात करें कि आमाशय क्या चीज होती है, तो पहली बात होती है कि जो आहार नाल होती है हमारी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है, ठीक है। और आहार नाल की अगर लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, या इसको आहार नाल, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, देखो मैंने लिख दिया लंबा भाग या सबसे लंबा हिस्सा, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं। इसलिए छोटी आंत कहा जाता है, इसका जो व्यास होता है, छोटी आंत का व्यास बहुत ही कम होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत की चौड़ाई कम होने के कारण छोटी आंत का नाम छोटी आंत पड़ा, जबकि लंबाई के आधार पर यह सबसे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगर बात करें लंबाई की, तो देखो छोटी आंत की लंबाई महिलाओं में ज्यादा होती है, और ये महिलाओं के अंदर इसकी लंबाई होती है लगभग 24 फीट या 7 मीटर कह दो, 24 फीट या 7 मीटर होती है। अगर बात करें पुरुष सदस्य की, तो पुरुष सदस्य के अंदर आहार, इसकी छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है या कह दो 6.5 मीटर होती है। तो देखो छोटी आंत मानव शरीर के जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग होता है। छोटी नाम उसका चौड़ाई के कारण पड़ा, चौड़ाई सबसे कम है लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी लंबाई देखे जाए तो पुरुषों और महिलाओं के अंदर लंबाई अलग अलग होती है। पुरुषों के अंदर इसकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 22 फीट यानी 6.5 मीटर, जबकि महिलाओं के अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 24 फीट यानी ज्यादा होती है। आगे की बात करें कि ये करती क्या है, तो सबसे पहले बात, जो आमाशय से भोजन होता है वो पहुंचता है छोटी आंत में, इसका मतलब भोजन का पाचन सबसे पहले होता है मुख गुहा में, ग्रसनी में भोजन का पाचन होता नहीं है, फिर होता है आमाशय में, आमाशय के बाद में भोजन का पाचन होगा छोटी आंत में। तो पाचन तो मुख गुहा में भी हुआ, पाचन आमाशय में भी हुआ, पाचन छोटी आंत में भी हो रहा है, लेकिन सभी में से सबसे जो वास्तविक पाचन होता है या ज्यादातर पाचन का जो हिस्सा संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं छोटी आंत में भोजन का वास्तविक पाचन होता है। भोजन का वास्तविक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का वास्तविक पाचन होता है, ठीक है। अगली बात करें कि जो भोजन का पाचन होता है उसमें जो भोजन की लुगदी बनती है, भोजन का पाचन होता है उसमें भोजन की जो लुगदी बनती है उस लुगदी का नाम छोटी आंत में आकर चायल बन जाता है या चायम बन जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन की लुगदी क्या कहलाती है, चायल कहलाती है। क्या कहलाती है, चायल कहलाती है, यानी वास्तविक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। अब हमारी जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे एक टॉपिक था अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो एक जीवधारी कोई भी होता है उसमें तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है, और मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की हमने चर्चा की थी। अब हर शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर हमारे बहिस्रावी ग्रंथियां स्थित होती है, उसी प्रकार छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथि स्थित होती है उसका नाम है आंत्रीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, आंत्रीय ग्रंथि। यह आंत्रीय ग्रंथि आंत रस का श्रावण करती है, किसका श्रावण करती है, आंत रस का श्रावण कौन करती है,
आंतरे ग्रंथि आंत रस का श्रावण करती है। आंत रस में कई प्रकार के पदार्थ या एंजाइम स्रावित होते हैं। आंत रस से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो उनमें एक तो आता है एरेप्सिन, कौन सा आता है एरेप्सिन, दूसरा आता है लाइपेज, आगे आता है सुक्रेज, अगला आता है माल्टेज, ठीक है, एरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज आदि एंजाइम स्रावित आंत रस द्वारा होता है। लैक्टेज दूध का पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज यानी बीजों का पाचन करता है, सुक्रेज मिट्टे पदार्थ, सिंपल सुगर जिसको हम मिट्टा पदार्थ होते हैं उनका पाचन होता है, ठीक है। तो ये सभी वसा का पाचन, ये सभी पाचन यहाँ पे संपन्न होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रोटीन खाता है, व्यक्ति वसा खाता है, व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट खाता है, इन सब का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है तो प्रोटीन अपने मूल रूप में चली जाती है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह अमीनो अम्ल से होता है, किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होकर वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वसा का छोटी आंत में पाचन होकर वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर वो ग्लूकोज में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो आपको पता ही है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन तो छोटी आंत में होता है, आमाशय में भी होता है, लेकिन मूल रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, तो देखो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, कहाँ होता है, राइबोसोम में। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। जबकि प्रोटीन का पाचन होकर वो जब मूल रूप में चला जाता है, जिसे अमीनो अम्ल कहते हैं, और जब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। वसा का पाचन होने के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरॉल में हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर किस में बदल जाएगा, आपके ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। अगली बात करें, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और प्रोटीन का पाचन, पाचन होने के बाद में शरीर के जो छोटी आंत है उसके किस हिस्से में होता है, ठीक है। तो इस हिस्से की बात करते हैं, एक बार रिवीजन करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। दूसरी बात, इसको छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वह सबसे छोटा होता है। आकार का मतलब चौड़ाई में आकार सबसे छोटा होता है, और चौड़ाई में इसकी व्यास इसको कह सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। अगर लंबाई की बात करें, महिला और पुरुषों में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। वैसे भी महिलाओं के अंदर छोटी आंत लंबी होने की वजह से भोजन का पाचन भी जल्दी होता है। महिलाओं के अंदर 24 फीट होता है, ठीक है, यानी 7 मीटर, और पुरुषों के अंदर होता है 22 फीट यानी 6 मीटर। प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन होकर अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, वसा का पाचन होकर ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, सॉरी ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। जबकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हम जब भोजन का यहाँ पे पाचन होता है छोटी आंत में, इसी को बोलते हैं वास्तविक पाचन। तो शरीर में छोटी आंत में भोजन का वास्तविक पाचन होता है। अगली बात करें कि जो पाचन होता है वहां भोजन की लुगदी का नाम क्या है, तो छोटी आंत में भोजन की लुगदी का नाम चाइल होता है। हमारी छोटी आंत के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों का नाम होता है आंतरीय ग्रंथियां
यह आंतरिक ग्रंथियां आंत रस का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? आंत रस का श्रावण करती है। यही आंत रस कुछ एंजाइमों का श्रावण करती है। यह इस आंत रस में इरेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है और लैक्टेज होता है। यही सम्मिलित रूप से प्रोटीन का पाचन करेंगे, वसा का पाचन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अगली बात करते हैं कि हमारे शरीर की जो छोटी आंत है इसके कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के भागों की अगर चर्चा करें तो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो छोटी आंत चल रहा था और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत तीन भागों में विभाजित होती है। छोटी आंतें तीन भागों में विभाजित होती है। तो छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, देखो छोटी आंत तीन भागों में विभाजित होती है, जिसको ए को कहते हैं जेजुनम, जिसको ग्रहणी भाग बोला जाता है। और जेजुनम की लंबाई या ग्रहणी भाग की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा होता है डेडुनम, जिसको अग्र शुद्धांतर कहते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। और जो अंतिम भाग होता है इसको कहते हैं इलियम, जिसका नाम शुद्धांतर होता है और इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर। ठीक है, जेजुनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, डेडुनम की लंबाई 2.5 मीटर, इलियम की लंबाई 3.5 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि छोटी आंत की इनकी लंबाई का अगर क्रम देखा जाए तो लंबाई का क्रम तो सबसे लंबी होती है इलियम, उससे छोटी होती है डेडुनम, उससे छोटी होती है जेजुनम। ये हमारे छोटी आंत की लंबाई का क्रम होता है। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है ग्रहणी भाग, छोटी आंत का ग्रहणी भाग। तो देखो सबसे पहली बात आती है कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कहेंगे आहार नाल में। फिर बोलेंगे आहार नाल में कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब बोलेंगे छोटी आंत में कहाँ होता है, तब आपका आंसर आएगा ग्रहणी भाग में। तो आप ऐसा कह सकते हैं भोजन का वास्तविक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होता है। भोजन का वास्तविक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होता है। अब देखो जो छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है उसके अंदर इधर हमारा लीवर होता है, यकृत जिसको बोलते हैं, इधर हमारा अग्नाशय होता है। ठीक है, लीवर से हमारे पीत रस का निर्माण होगा। लीवर में किसका निर्माण होता है, पीत रस का निर्माण होता है। और अग्नाशय ग्रंथि होती है उसे अग्नाशय रस का निर्माण होता है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। देखो लीवर को मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो लीवर को आप कह सकते हो जो हमारा लीवर होता है, ये अपना जो यकृत होता है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं मानव शरीर का सबसे भारी अंग भी होता है, लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। लीवर को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। अब देखो इसी लीवर से पीत रस का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, पीत रस का। जबकि पीत रस का भंडार पित्ताशय में होता है, कहां होता है, पित्ताशय में होता है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता, पीत रस के अंदर कुछ वर्णक होते हैं। एक तो इसमें होता है पीत लवण, ठीक है, एक होता है इसमें पीत वर्णक। और ये पीत वर्णक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं बिल्लू रुबिन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बिल्ली वर्डिन, बिल्लू रुबिन और बिल्ली वर्डिन होता है। अब ये पीत लवण क्या करता है, लीवर से पीत रस का निर्माण होकर पित्ताशय में आएगा और पित्ताशय से एक ही नलिका के द्वारा
छोटी आंत में, अग्नाशय से भी ये छोटी आंत में, दोनों एक ही स्थान पे आके मिलेंगे जो भोजन का पूर्णतः पाचन करेंगे। वसा का पाचन पीत लवण करते हैं, और जब वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है तो उसे पाइसीकरण कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं, और पाइसीकरण का ही दूसरा नाम होता है इमल्सीकरण। तो पाइसीकरण या इमल्सीकरण क्या होता है, छोटी आंत में पीत रस द्वारा वसा के कणों को तोड़ने की क्रिया पाइसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। पीत रस में दो प्रकार के वर्णक होते हैं, एक होता है बिलुरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। एक का रंग पीला होता है और एक का रंग हरा होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब होने से बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे त्वचा का रंग, हमारे नेत्रों का रंग, हमारे नाखून का रंग और हमारे मूत्र का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया रोग का ही नाम होता है हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, यकृत, शोध रोग या पांडु रोग। यानी कि इसी पीत वर्णक के बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है। तो यहां से यह आता है छोटी आंत में पीत रस, यहां से अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, दोनों आके मिलेंगे छोटी आंत में। पीत रस की प्रकृति होती है क्षारीय, जबकि अग्नाशय रस की प्रकृति भी होती है क्षारीय। कुल मिलाकर छोटी आंत में जो रस हुआ उसका नाम हो जाता आंत रस, और आंत रस की प्रकृति भी कैसे हो जाती है क्षारीय। आंत रस का पीएच मान 8.4 होता है, कितना होता है 8.4। ये जो ग्रहणी भाग है यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। ठीक है, यहां पे भोजन का पाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद में वह अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाएगा, लेकिन बीच में एक अपेंडिक्स आएगी। छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य संधि स्थल पे एक छोटी सी नलिका के रूप में होती है, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर की एक प्रेषिसिक अंग है जो पूर्व में थी, क्योंकि इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, और जब सेलुलोज व्यक्ति खाता ही नहीं है, यानी घासपूस खाता ही नहीं है, तो पाचन करने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ अपेंडिक्स में चला जाने की वजह से वो थैलेनोमा संरचना बढ़ जाती है, व्यक्तियों को ऑपरेशन के माध्यम से निकलवा दी जाती है। ये हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर देती है, जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकलवा दी जाती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पे क्या पाई जाती है, अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है, दोबारा एक बार चर्चा करते हैं। तो हम बात करें छोटी आंत, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी भाग, अग्रशुद्धांतर भाग और शुद्धांतर, जिसको आप जेजुनम कह सकते हो, डेडुनम कह सकते हो और इलियम कह सकते हो। इनकी लंबाई आपके सामने है, सबसे बड़े आकार का होता है इलियम, और लंबाई में क्रम करें तो लंबाई में सबसे लंबा हो गया इलियम, फिर डेडुनम हो जाएगा, फिर जेजुनम हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है उसी का नाम ग्रहणी होता है, और ग्रहणी में ही भोजन का वास्तविक पाचन होता है। वास्तविक इसका पाचन करने के लिए लीवर से पीतरस आता है, यानी लीवर में पीतरस का निर्माण होगा, पित्ताशय में इसका भंडार होगा, फिर पित्ताशय से पीतरस आता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आता है। दोनों की प्रकृति क्षारीय है, इसलिए इस आंतरस का प्रकृति भी कैसी हो जाती है, क्षारीय। 8.4 इसका पीएच मान होता है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता। पीत रस में एक तो होता है पीत लवण, जो छोटी आंत में वसा का पाचन करेगा, और वसा का पाचन करना पाइसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। अगर पीत रस में दो प्रकार के वर्णक है, एक बिलुरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होता है। अगर लीवर के खराब होने से बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से रंग में पीला हो जाएगा, जिसे हम पीला रोग कहते हैं, जिसे नेत्रों का रंग पीला हो जाएगा, नाखून का रंग पीला हो जाएगा, मूत्र का रंग पीला हो जाएगा, आपके यूरिन ये सब पीला हो जाएगा, इसे पीला रोग नाम पड़ा। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आएगा, भोजन का पूर्णतः पाचन करेगा, ये भोजन बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। दो लक्षण होना चाहिए, पहला साढ़े 4-5 बजे तक, फिर रात के 2-11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया।
वीणा वाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। श्रीमान सुभाष जी भी कर दिया जोरदार कार्यों के साथ स्वागत करें। फिर अगर इसका अंदर आ जाएगा एक मिनट आता हो तो यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प नहीं कर लेता है तो एक अंधकार जरूर ही संबंध का भर लेता है। श्री राम कॉम्पिटिशन प्लस इंटरव्यूटर सीकर के इस प्रांगण में सबसे पहले मैं सुभाष जी का और उनकी पूरी इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपको भी यही आवश्यकता है, मेहनत विश्वास नहीं टूटने दे, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे मित्र हो, साथी हो, उसका विश्वास नहीं टूटने दे। मेहनत करें, लगन के साथ में करें, एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उस लक्ष्य से आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय माननीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान विनोद जी चौहान साहब और ये आपकी श्रीराम कोचिंग का अहोभाग्य सौभाग्य है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा आपके संस्थान में अभी आरएस के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, रिट के लेवल फर्स्ट सेकेंड के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पटवार भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं और ये मंत्री महोदय पूरा लगभग राजस्थान का विद्यार्थी आपके यहाँ पर है और दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आपके पास कुछ दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप दीवारों पर, जब इनकी मंजिल इनको मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम लगभग सारी वही टीम है जो जिस एग्जाम की क्लासेस वो ले रहे हैं उस एग्जाम के नजदीक कर एकदम नजदीक तक जाकर आए हुए, क्योंकि बिना योग्य टीम के कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, काफी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट और आ रहे हैं और काफी मेरे साथी यहाँ पर अपने कार्य को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं, आप एक एक की शक्ल आप देख सकते हैं, ये सब आपके शिक्षा के नुमाइंदे हैं और अपने आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो इसमें हमारी टीम श्रीराम टीम पूरी अपने तन मन धन से समर्पित है, प्रबल रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को यहां संपन्न करने का हमें मौका दिया और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया, जो चुनिंदा टिप्स दी हैं हम उन टिप्स का अनवरत पालन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटे से करना चाहिए। पकड़ा उस पानी में डाला जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा लिया, उसने पूरा जोर लगा लिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या कर रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के भी।